युग निर्माण बनाई, ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित, जिनका जीवन सारा उन सतगुरु श्री राम चरण में नम्र प्रणाम हमारा। आप सौना मंगलमय जीवन ने शुभकामना। ऋषि चिंतन चैनल में आप सौनो हार्दिक स्वागत छे। आवो गायत्री महामंत्र साथे साथे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कदाचन शरीरसिन्नेन्द्रः स्वसिहिदासुषे उपेपेन्नो मद्यवन भूय इन्नो ते दानं देवस्य पृच्छति। सामवेद 300। परमेश्वर क्यारे पोताना कर्म ने निष्फळ करता नथी अने कोई निर्दोष ने दंड देता नथी। आ जन्म मा अने पूर्व जन्म मा प्रत्येक मानवी माटे कर्म फल नी व्यवस्था करी देवामां आवी छे। संसारना बधा ज प्रकारना कामकाज ईश्वरीय सत्ता वडे ज नियंत्रित छे अने मानवीना जीवन मा जन्मथी लईने मृत्यु सुधीना बधाज घटना चक्रो तेना पोताना कर्मना फल स्वरूपे ज न्यायकारी परमेश्वर वडे संचालित थाय छे। पूर्व जन्मना कर्म अनुसार ज ते नक्की थई जाय छे कि अमुक आत्माने क्या देशमां क्या कुटुंबमां क्या स्तरनो अने केटलुं जीवन जीववानुं छे। एक समये जन्म लेरा ने बे बाड़को माती एक कोई राजा ने त्या जन्म ले छे अने बीजो धंधी झूपड़ी मा। एक जन्मजात बुद्धिशाड़ी होय छे अने बीजो मंद बुद्धि। एक बड़वान होय छे अने बीजो रोगी। एक दीर्घ आयु होय छे अने बीजो अल्प आयु। एवं नथी के ईश्वरे पक्षपात करीने कोईना जीवन मा सुख सुविधाओ भरी दीदी न कोईना निर्दोष ने अकारण दंड स्वरूप दुख दारिद्र्यनी आगमा नाखी दीधो छे। आ बधु कर्म फळना सिद्धांत प्रमाणे बने छे। आ जन्ममां जेवुं कर्म करे छे ते प्रमाणे आत्माना नवा जन्मनी व्यवस्था पण थई जाय छे। आत्माने आ जीवन मरणना चक्रमांथी मुक्ति मळे छे अथवा फरीथी 24 लाख योनिओना चक्रमां भटकवुं पड़े छे अने तेनो आवतो जन्म फरीथी मनुष्य योनिमां ज थवानो छे एवुं न कही शकाय। कूतरा बिलाड़ा सुवर साप के घोड़ना रूपमां पण जन्म मळी शके छे। आ जन्ममां जेवा कर्म होय छे एना अनुसार अथवा जन्ममां तेने सुख सुविधा मळे छे तथा दुःख अने मुश्किलोना रूपमां प्रायश्चित करवानो अवसर पण मळे छे। आजकाल समाजनी स्थिति विचित्र थई गई छे। लोकोने न तो ईश्वर पर विश्वास छे न तो तेना कर्म फळनी व्यवस्था पर विश्वास छे। फळ स्वरूपे तेओ उच्छलन अने स्वेच्छाचारी थई रह्या छे। दंडनो त्यारे ज भय न होय कि आवता जन्ममां शुं थशे तेने चिंता न होय अने ते पछी तेने रोकनारो कोण? वेक बुद्धि पण शा माटे साथ आपे? जे सारू लाग्युं अने ज्यां कोई लाभ देखायो त्यां ज मजा आवी जाय छे अने बाजू आगळ वधवा लागे छे अने पोतानो स्वार्थ पूरो करवा माटे કોઈનું અહિત કરવું પડે તો પણ કોઈ ભય કે સંકોચ નથી કે લાજ શરમ નથી આવતી। આ બધું તો પશુઓ પણ કરે છે
भोजन प्रजनन सिवाय बीजी घणी बातों तेमने चिंता नथी। मानवीए परमेश्वर ने आटली बधी कृपा अने वरदान आप्या छे तो तेनो सदुपयोग करी सके छे अने पोताना ज साचा अर्थमां मानवी बनावी सके नहीं तो पछी आ मानव जोनी आवानो शो लाभ। पाछला जन्मना पाप कर्मोनी सजा भोगवी तो पड़े छे अने एने ज कारणे आ जीवन में दुख अने मुश्किलीओ भोगवी पड़े छे। थोड़ों प्रायश्चित करवानो तो आपणाथी थई शकतो नथी, उल्टानो बधु पाप कर्ममां फसाई जईए छीए। परिणाम એ આવે છે કે બાકીનું જીવન પણ નારકીય થઈ જાય છે અને આવતા જન્મમાં કોણ જાણે કયા રૂપમાં દંડ ભોગવો પડશે આ સત્ય ઉપર પણ વિચાર કરવો જોઈએ। ઈશ્વરના આ ન્યાયકારી સ્વરૂપ અને કર્મફળની મહત્તાને બરાબર સમજી લેવાથી માનવી હંમેશા સદવિચારો અને સત્કર્મોમાં રચ્યું પચ્યું રહે છે અને કુરિવાજો અને કુવિચારો અને દુર્ભાવ ભાવનાઓથી આક્રમણમાંથી બચી જાય છે। નહીં તો ગીતાજીના વિદ્યાધ્યાયના 62 અને 63માં શ્લોકમાં કહ્યું છે કે સંઘાત સંજાયતે કામ કામાત ક્રોધ બી જાયતે ક્રોધાત ભવતી સમ્મોહા સમ્મોહા સ્મૃતિભ્રમ સ્મૃતિભ્રંશાત બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત પ્રણનશ્યતિ। અસ્તુ।